हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है पांच स्पोर्ट्स हेडलाइंस और करे से आपको रूबरू कराने का। तो पहले पांच हेडलाइंस आपको बताएंगे, फिर सारी हेडलाइंस जो उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। श्रीलंकन क्रिकेटर हेडलाइन नंबर वन जो है वो अविष्का गुणवर्धने के बारे में, फॉर्मर क्रिकेटर है श्रीलंका के और उनको अपॉइंट किया गया है एज अ बैटिंग कोच ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। हेडलाइन नंबर दो होगी क्रिस सिल्वरवुड के बारे में, जिन्होंने कहा वो रश आउट नहीं करेंगे बेन स्टोक्स को कि वो ज्वाइन करें ऑन गोइंग सीरीज जो चल रही है इंग्लैंड की अगेंस्ट इंडिया। हेडलाइन नंबर तीन होगी पोलिश जैवलिन थ्रोअर फीमेल प्लेयर जो है मारिया एंड्रे के बारे में, जिन्होंने ऑक्शन कर दिया अपना टोक्यो 2020 का सिल्वर मेडल ताकि वो फंड रेस कर सके हार्ट सर्जरी के लिए फॉर एन 8-month-old चाइल्ड। उसके बाद हेडलाइन नंबर चार होगी भारत के फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमैक के बारे में, जो कि काफी हार्डवर्क कर रहे हैं विद संदेश सिंगन। ऑल्सो वो स्मूथली इंश्योर करना चाहते हैं कि संदेश सिंगन जो है क्रोएशियन साइड को ज्वाइन करें। हेडलाइन नंबर पांच जो होगी वो टेनिस प्लेयर स्टेफनोस सिटसिपास के बारे में होगी, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया वैक्सीन लेने के लिए अनलेस उन्होंने कहा जगह वो मैंडेटरी होगी किसी भी टूर के लिए। तो ये थी पांच हेडलाइंस, अब इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वीआर स्पोर्ट्स क्रेजी, उसको फॉलो करना ना भूले। इसको फॉलो करने के फायदे ये है कि जो भी स्पोर्ट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उससे हम अवगत करा देंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। इसके अलावा जो भी इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे स्पोर्ट्स क्रेजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है हम आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर वाया पोस्ट वाया स्टोरीज जो है वो देते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारे इंस्टाग्राम पेज का, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंचेंगे, वी आर स्पोर्ट्स क्रेजी के फॉलो का बटन होगा उसको प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो हमारे इंस्टा फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आप हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, जो पांच हेडलाइंस बताएं इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने 6 टेस्ट और 61 ODI खेली है अविष्का गुणवर्धने जो है वो नए बैटिंग कोच अपॉइंट हो गए हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम लुकआउट कर रही थी बैटिंग कंसल्टेंट और कोच के लिए, स्पेसिफिकली जो ओवरसीज टूर वो करते हैं, और अविष्का गुणवर्धने जो है उनका एडिशन जो है आप कह सकते हैं एक प्लस है उनके लिए। हेडलाइन नंबर दो है क्रिस सिल्वरवुड जो कि हेड कोच हैं इंग्लिश नेशनल टीम के और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं स्कूटनी फेस कर रहे हैं जब सेकंड टेस्ट इंग्लैंड हारी गया अगेंस्ट इंडिया 151 रन से लॉर्ड्स में। उनसे सवाल पूछा गया क्या बेन स्टोक्स की जरूरत है टीम को और बेन स्टोक्स को इमीडिएटली बुलाएंगे थर्ड टेस्ट मैच में जो लीड्स में खेला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, बेन स्टोक्स को नहीं बुलाना चाहते, वो चाहते हैं कि बेन स्टोक प्रॉपरली रिकवर करें, प्रॉपरली जो भी उनको मेंटली अपने आप को फिट रखें और उसके बाद जब पूरी तरीके से तैयार हो तब वो आए, वो इस ऑनगोइंग सीरीज में बेन स्टोक्स को नहीं बुलाना चाहेंगे। हेडलाइन नंबर तीन की बात कर लेते हैं जो कि काफी आप कह सकते हैं इमोशनल न्यूज है और एक आप ह्यूमैनिटी का एक एग्जाम्पल जो है वो पेश करता है। पोलिश की जो फीमेल जैवलिन थ्रोअर है मारिया एंड्रे, उन्होंने ऑक्शन कर दिया अपना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का सिल्वर मेडल ताकि वो हेल्प कर पाएं फंडिंग करने के फॉर एन हार्ट सर्जरी ऑफ 8-month-old बॉय जिसका नाम पोल मिलोजैक है। और आपको बता देते हैं कि मारिया जो थी 2016 में सिर्फ बाय 2 सेंटीमीटर्स के मार्जिन से मेडल जो था वो चूक गई। इस बार वो मेडल जीती और आई थिंक उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने सिल्वर मेडल से जितना वो पैसा जनरेट कर सकती हैं पोल के लिए वो जनरेट करें, और आई थिंक इस ह्यूमैनिटी को जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे एथलीट्स जो है वो सराह रहे हैं। हेडलाइन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हेडलाइन नंबर चार है भारत के फुटबॉल के जो कोच हैं इस वक्त इगोर स्टिमैक के बारे में। इगोर स्टिमैक इस वक्त मतलब आप कह सकते हैं हार्डवर्क भी कर रहे हैं संदेश झिंगन के ऊपर बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी हैं, उसके अलावा वो फेवर भी करेंगे संदेश झिंगन को, वो एक्सपेक्ट मतलब बेसिकली वो रिलीज करेंगे संदेश झिंगन को क्योंकि संदेश झिंगन जो है वो क्रोएशियन की जो साइट है फर्स्ट डिवीजन लीग की जिसका नाम है HNK साइबेनिक, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और आई थिंक एक अच्छा डिसीशन भी है आप कह सकते हैं इगोर स्टिमैक का उनको रिलीज भी करने का, क्योंकि अगर आप फॉरेन क्लब्स में खेलेंगे तो आई थिंक आपको एक जो टेम्परामेंट है या आप कह सकते हैं जो गेम अवेयरनेस है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं अलग तरह से भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगी। सो आई थिंक एक अच्छा कदम है मैं कह सकता हूँ भारतीय फुटबॉल हेड कोच का। हेडलाइन नंबर पाँच है स्टीफनोस सिटसिपास के बारे में जो कि टेनिस प्लेयर हैं वर्ल्ड नंबर 3। उन्होंने कहा वो COVID-19 के वैक्सीन तभी लेंगे जब वो मैंडेटरी होगा उसको लेना किसी भी टूर में पार्टिसिपेट करने से पहले। आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला, नो वन हैज टोल्ड मी एनीथिंग, नो वन हैज मेड इट मैंडेटरी थिंग टू बी वैक्सीनेटेड, ये बात उन्होंने रिपोर्टर से बोली है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि एट सम पॉइंट आई विल हैव टू, आई एम प्रीटी श्योर आई एम अबाउट इट, बट सो फॉर इट हैजंट बीन मैंडेटरी टू कम्पीट सो आई हैवंट डन इट। सो इन्होंने यही बोला सिनसिनेटी मास्टर्स टूर्नामेंट में ये पार्टिसिपेट करने वाले, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि मतलब अगर जरूरत होगी तभी वो लेंगे, अदरवाइज मतलब वो नहीं चाहते वैक्सीन को लेना बिफोर टूर के पार्टिसिपेशन से पहले। सो ये हेडलाइन नंबर पाँच जो मैंने आपको बता दी, ये सारी हेडलाइंस मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।